नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। सहरसा के MLT कॉलेज में PG के छात्र छात्राओं ने PG के नामांकन में फीस वृद्धि किए जाने से कॉलेज में तालाबंदी करते हुए जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान नाराज छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल के कार्यालय गेट पर धरने पर बैठ गए और कॉलेज प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं की मांग है कि पीजी में नामांकन के लिए जो फीस बढ़ाई गई है उसे कम किया जाए। छात्रों की माने तो पीजी के प्रत्येक सेमेस्टर में 2000 रुपए फीस में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में कोसी इलाके के पिछड़े छात्राओं को नामांकन में परेशानी हो रही है, जबकि इससे पूर्व यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा कहा गया था कि जो नामांकन के 4000 रुपए लिए गए हैं उसे सेकेंड सेमेस्टर में कम कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ कम होने के बजाय फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में आम छात्र छात्राओं को नामांकन में परेशानी हो रही है। अगर जल्द ही कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो आगे हम लोग विश्वविद्यालय पर घेराव करेंगे। कॉलेज में क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हम लोगों की ये मांगे हैं कि पीजी में सभी सेमेस्टर में नामांकन की सिस्टम लागू कर दी गई है, जो कि 2000 रुपए पर सेमेस्टर फीस वृद्धि कर दिया गया, जो कि कोसी जैसे पिछड़े इलाकों के छात्रों के लिए ये बिल्कुल ही जाती है। और हम लोग जब विश्वविद्यालय में घेराव किए थे और इससे पहले महाविद्यालय में घेराव किए गए थे, तब ये महाविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा कहा गया था कि पूर्व में जो आपसे 4000 और 3500 रुपये नामांकन फी लिया गया है उसको सेकेंड सेमेस्टर में कम कर दिया जाएगा, लेकिन कम की बात तो दूर, और 60 रुपये हम लोगों की फीस वृद्धि ही कर दी गई, जिसके खिलाफ में आज पीजी के हजारों छात्र यहाँ पे अनशन पे धरना पे बैठा हुआ है। आज से हम लोग अनिश्चितकालीन तालाबंदी किए हैं और यह आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आज महाविद्यालय बंद किया है और इससे आगे निकल के हम लोग विश्वविद्यालय नहीं मान मांगी जाएगी तो आप लोगों की? हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो लगातार महाविद्यालय बंद रहेगी और विश्वविद्यालय में भी घेराबंदी करेंगे। क्या नाम है सर? मनीष कुमार, NSUI राष्ट्रीय सेमेस्टर में बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, इस वजह से हम लोगों को चाहिए कि फीस कम करना चाहिए। आज ही नहीं, कल के लिए भी हम लोगों को बहुत दिक्कत हो सकता है। और अभी का कोरोना का जिस तरह का टाइम है, हम लोग देख सकते हैं कि सबका फाइनेंशियली बहुत कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम होगा। जो ठीक घर से यहाँ चलिए उनके लिए भी दिक्कत है और जिनके लिए प्रॉब्लम है उनके लिए तो है। यदि आप लोग की मांग नहीं मांगेगी तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग का यहाँ पे हड़ताल होगा और कॉलेज बंद। क्या सुनना गायत्री रंबा?